हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है और आज हम बात कर रहे हैं RX TX कनेक्शन के बारे में और DP DM कनेक्शन के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑलरेडी पहले से ही अगर इस कनेक्शन के बारे में जानते हैं तो कोई बात नहीं, और इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को देखें तभी आपको समझ आएगा। और अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें कि RX TX कनेक्शन से आप अपने मोबाइल को कैसे बूट कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप किसी मोबाइल को मेडिकल बॉक्स से बूट कराते हैं और मोबाइल का जो LG 3500 चार्जिंग कनेक्टर है वो ख़राब है, तो आप उसे बूट कैसे कराएंगे उस मोबाइल को मेडिकल बॉक्स से? तो आप RX TX के जरिए से या DP DM के जरिए से आप मोबाइल को बूट करा सकते हैं। और अगर आपको देखना है, सीखना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप मेडिकल बॉक्स खरीदते हैं तो उस वक्त आपको बहुत सारी केबल मिलता है और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी केबल है और इसमें कुछ RX TX कनेक्शन का भी एक केबल होता है जिसके जरिए से आप उसमें वायर सोल्डिंग करके मोबाइल से सोल्डिंग करके आप उसे बूट करा सकते हैं मेडिकल बॉक्स से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे केबल है और इनमें से एक RX TX केबल है। तो RX TX केबल में मैंने पहले से ही 5 कनेक्शन कर रखा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल का जो RX TX जिग केबल है, इस केबल में मैंने 5 कनेक्शन किया है। DP DM बूट ये सारे कनेक्शन मैंने किए हैं और ये सारे कनेक्शन मैंने इसलिए किया कि अभी के जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें जो है DP DM का कनेक्शन होता है और उनको हमें अपने कंप्यूटर से जो है अपने मेडिकल बॉक्स के टूल से बूट कराना होता है। मैंने 5 कनेक्शन कर रखा है। तो फिलहाल मैं आपको अभी 2 कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, RX TX कनेक्शन के बारे में, कि RX TX कनेक्शन जो इसमें है तो इसमें RX TX कनेक्शन इसमें जो बहुत सारे पिन है, बहुत सारे पिन में नंबर दिया हुआ है, नंबर बाई नंबर दिया हुआ है। तो हमने जो यहाँ पे कनेक्शन किया, एक नंबर पिन है तो एक नंबर पिन पे मैंने जो रेड कलर का वायर लगाया है, ठीक है। और उसके बाद 3 नंबर पिन पे मैंने जो है ग्रीन कलर का वायर लगाया है और ये दोनों वायर जो हमें वहाँ मोबाइल के जो है सर्किट में लगाना है RX TX कनेक्शन में। इसमें जो हमने 1 नंबर और 3 नंबर पे जो वायर लगाया है रेड कलर का और ग्रीन कलर का, तो इसे हमें जो है अपने मेडिकल टूल में वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा RX TX में, ठीक है। वहाँ मेडिकल टूल में भी हमें जो है 1 नंबर 2 नंबर वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए पहले हम बोर्ड को जो है सोल्डिंग कर देते हैं जहाँ पे RX TX का कनेक्शन है। उसके बाद जो रेड कलर का जो कनेक्शन है जो इसके हमने 1 नंबर पर लगाया है, मेडिकल जो RX TX का केबल है, जिग है, इस केबल में जो हमने 1 नंबर का वायर लगाया है, तो 1 नंबर में जो हमने रेड कलर का वायर लगाया उसे हमें जो है यहाँ पे TX कनेक्शन में सोल्डिंग कर देना है मोबाइल के बोर्ड पर। और 3 नंबर पे जो हमने ग्रीन कलर का वायर लगाया है, ठीक है, RX TX केबल में जो हमने 3 नंबर पे जो है ग्रीन कलर का वायर लगाया है, उस ग्रीन कलर के वायर को हमें RX कनेक्शन में मोबाइल के बोर्ड में हमें सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद मेडिकल बॉक्स में हमें इस केबल को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद मेडिकल बॉक्स का जो वायर है माइनस प्लस का, इस माइनस प्लस वायर को हमें मोबाइल में जो है लगा देना है, मोबाइल के बैटरी कनेक्टर पर प्लस वायर प्लस में लगाना है और माइनस वायर हमें माइनस में लगाना है।
तो आप देख सकते हैं कि जो माइनस प्लस वायर है मिरेकल बॉक्स का, उसे हमने जो है मोबाइल के बैटरी कनेक्टर पर लगा दिया है प्लस को, और उसके बाद माइनस वाले वायर को हमने जो है माइनस में लगा दिया है। अब हमें अपना जो मिरेकल बॉक्स का जो टूल है उसे हमें ओपन करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो मिरेकल बॉक्स का जो टूल है उसे हमने ओपन कर लिया अपने सिस्टम में। अब हमें करना क्या है कि जो सबसे नीचे में मिरेकल बॉक्स का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोन पिन आउट, इस पर हमें जो है क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हमने फोन पिन आउट पे क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं RX TX स्कैन, ठीक है, इस पर टिक लगाना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे साइट में देख सकते हैं कि यहाँ पर P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि हमने जिस पिन पर सोल्डरिंग किया था वहाँ पे एक नंबर पिन पर सोल्डरिंग किया था और तीन नंबर पिन पर सोल्डरिंग किया था। जैसे हमने एक नंबर पिन पर सोल्डरिंग किया था, एक नंबर पे हमने क्या दिया था TX कनेक्शन, ठीक है। तो एक नंबर पे हमें TX कनेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और तीन नंबर पे हमने क्या दिया था RX कनेक्शन, ठीक है। ग्रीन कलर का वायर हमने दिया था RX कनेक्शन, ठीक है। तो ग्रीन कलर का जो वायर हमने RX कनेक्शन पे दिया था तीन नंबर पर, तो उसे हमें यहाँ सेलेक्ट कर लिए। और उसके बाद ऊपर में जो हमने सेलेक्ट किया जो रेड कलर का वायर हमने एक नंबर पिन पे लगाया था, तो एक नंबर पे हमने TX कनेक्शन में बोर्ड में हमने सोल्डरिंग किया था, तो उसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमें अपना मोबाइल का जो CPU है, जो मोबाइल का जो IC है, हमारा CPU IC उसका जो नंबर है वो किस नंबर पर है, तो जैसे मान के चलिए MTK CPU है 6225, तो मान के चलिए 7 नंबर बूट पर है, तो 7 नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमें सेलेक्ट करना ही होगा, क्योंकि अगर हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो है बूट नहीं करेगा, क्योंकि मैनुअल कनेक्शन है RX कनेक्शन, तो हमें सेलेक्ट करना ही होगा। क्योंकि अगर ऑटोमेटिक, अगर मान के चलिए USB स्कैन से अगर हम अपने मोबाइल को रीड या राइट या फॉर्मेट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक जो है ये बूट सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन क्योंकि हम RX TX कनेक्शन से हम इसको बूट कराना चाहते हैं मैनुअल कनेक्शन से, तो हमें यहाँ पर बूट मेन्यू में जो है IC जो है CPU IC जो है उसे हमें सेलेक्ट करना ही होगा, तभी हमारा मोबाइल जो है बूट करेगा। उसके बाद हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल का जो पावर बटन है उसे हमें दबाना है कंटिन्यू, और हमारा मोबाइल जो बूट करेगा तो हमारा मोबाइल जो यहाँ पे रीड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा मोबाइल जो अभी तक बूट नहीं किया, तो हमें इसे स्टॉप कर देना है, ठीक है। स्टॉप करने के बाद फिर से दोबारा हमें फोन पिन आउट में हमें जाना है और वहाँ पर जो RX TX कनेक्शन है उसे हमें पलट देना है। जैसे कि मान के चलिए कि ऊपर में TX कनेक्शन है, तो TX कनेक्शन को हमें नीचे में कर देना है और नीचे में RX कनेक्शन है तो RX को हमें ऊपर कर देना है, मतलब एक दूसरे को पलट देना है। अगर बूट ना करे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को पलट के आप देख सकते हैं आपको पलट देना है। और पलटने के बाद भी अगर आपका मोबाइल बूट ना करे तो समझ लीजिएगा आपके मोबाइल में जो है हार्डवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने RX को पलट दिया, उसके बाद हमें यहाँ अप्लाई पे फिर दोबारा फिर क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है, उसके बाद अपने मोबाइल को बूट कराना है, ठीक है। फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल का जो पावर बटन है उसे हमें कंटिन्यू दबाना है, हमारा मोबाइल बूट करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल बूट कर चुका है, हमने जैसे RX TX कनेक्शन को पलटा एक दूसरे को, तो हमारा मोबाइल बूट कर चुका है। और कभी भी आप RX TX कनेक्शन से आप मोबाइल को बूट कराते हैं, अगर आपका मोबाइल बूट नहीं करता है तो आप एक दूसरे को जो है पलट करके आप देख लें, RX को ऊपर और TX को नीचे आप करके देख लें और आपका मोबाइल 100% बूट करेगा। और फिर भी अगर आपका मोबाइल बूट नहीं करता है तो इसका मतलब आपका मोबाइल में जो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं अंत की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंत में मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। दोस्तों DP DM एक 5 कनेक्शन होता है, जिस तरह अभी आपने RX TX कनेक्शन देखा उसी तरह जो है DP DM कनेक्शन होता है, तो और वो 5 कनेक्शन होता है। मान के चलिए कि आपका जो है मतलब चार्जिंग कनेक्टर ख़राब है मोबाइल का, उसको आप मिरेकल बॉक्स से बूट करना चाहेंगे, तो पहले तो है RX TX कनेक्शन और अभी आ रहा है जो DP DM कनेक्शन, और उसका 5 कनेक्शन होता है। तो 5 कनेक्शन को आप कैसे अपने मिरेकल बॉक्स से बूट करेंगे, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप पर, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।